पांच विकारों में से हाँ अहंकारियों को बाबा माफ नहीं करते, बाकी चार विकार विकारों को माफ कर देते हैं। विकारियों को तो विदेशी कहा जाता है, माफ कर दिया ना को, बाकी के चार विकार बहुत ठेठ विदेशी हैं, उनको माफ नहीं किया, उनको कोई वर्षा भी नहीं मिलता। इसलिए भारतवासियों को बाप से वर्षा मिलता है। कोई कम भारतवासी है, कोई ज्यादा भारतवासी, कोई 100% भारतवासी है, कोई परसेंटेज में भारतवासी है, कोई आत्मा है द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो जाती है, भले सत्युग त्रेता में देवता बन के रहे, कोई कलयुग के अंत में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। महर्षि दयानंद आए, आर्य समाज की स्थापना की, उस समय कन्वर्ट हुए। अष्टदेवों में से चार स्थापनाकारी रुद्रमाला से, प्लस चार पालनाकारी बेसिक सिंह माने विजयमाला से निकलेंगे, तो वो रुद्रमाला के मण के ही कहे जाएंगे। क्यों? रुद्रमाला विजयमाला में ऐड की जाएगी तो विजयमाला के मण के कहे जाएंगे, या रुद्रमाला के मण के कहे जाएंगे? रुद्रमाला विजयमाला में ऐड की जाएगी तो ऐड होने के बाद जो रुद्रमाला के मण के जो चार ऐड हो गए विजयमाला में, वो भी विजयमाला कही जाएगी या रुद्रमाला कही जाएगी? विजयमाला, उन्होंने भी जीत पा लिया क्योंकि माता को गुरु बना लिया। जब तक माता को गुरु नहीं बनाया है तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते। गीता का भगवान कौन है? ऐसा आठ पॉइंट के बीच में आठ पॉइंट बना रहे हो, तो उसमें सातवां पॉइंट जो है स्वयं ब्रह्मा भी आ सकते कहे आगे शास्त्र में इसको लिखा, तो फिर ये पॉइंट क्यों लग रहे हो? और भी ढेर सारे पॉइंट है, ये पॉइंट क्यों नहीं लग रहा? अरे वो तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो भी कहेंगे ये यहाँ ही क्यों लगाया गया। अरे बाबा और भी ढेर सारे पॉइंट है, तो और भी ढेर सारे पॉइंट जब लिए जाएंगे तो उनके लिए भी कहा जाएगा यही क्यों लगाया गया। अरे बाबा आपके जो है दिखते वाले व्यक्ति को कह रहे हो, स्वयं बाबा का पॉइंट है, हम ये जानकर नहीं छोड़े, स्वयं ब्रह्मा भी आ सकते हैं, वो भी हम ये शास्त्र नहीं छोड़े, तो भी वो लोग आपने मेरा पॉजिटिव नहीं ले रहा। क्या पॉजिटिव ले रहे? वो जैसे बाबा ने ही बोल दिया, अगर ब्रह्मा बाबा भी आकर के बोले तो भी हम ये शास्त्र नहीं छोड़े, मतलब ये मुरलिया नहीं छोड़े, मुरली सुनना। पढ़ना कहाँ छोड़ रहे हैं? भगवान आके सुना रहे ये बात उनके ऊपर तो पहले लागू हो गई। तो भी नहीं सुन रहे, ना वो अभ्यवाणियों पे ध्यान देते हैं, ना मुर्गियों पे ध्यान देते हैं। अरे अच्छे समाधान किस प्रकार से देना? समाधान तो जिनके सामने प्रश्न आया है वो समाधान करेंगे, बाबा नहीं समाधान करते। जब परीक्षा के प्रश्न पत्र आते हैं
तो बाबा थोड़ी समाधान करने बैठेंगे। तुम एक एक अपना अपना जवाब दो, पता चले कौन कितना होशियार है, कितना पानी में है। समझाते हैं, समझाया नहीं है क्या? इनमें इन 8 पॉइंट में से कोई ऐसा पॉइंट है जो बाप ने समझाया नहीं है? जब परीक्षा प्रश्न पास सामने आ जाए तब विस्तार से बैठ कर समझाओ। अभी तक बाहर झोंकते रहे क्या? बाप मदद नहीं करेगा, बच्चे आते हुए देखे। आज जब परीक्षा होती है तब मदद की जाती है क्या? टीचर का पार्ट चल रहा है। हाँ, टीचर का पार्ट चल रहा है तो टीचर का पार्ट एग्जाम लेने का भी तो होता है। तुम क्या ज्यादा चुखाई स्टूडेंट हो? तो तुमको बता दिया जाए, दूसरों को नहीं बताया जाए? क्या बताएं? कान पकड़ के पूछ लो। आदत पड़ी हुई है पिछले जन्म की अम्मा के बाल नोचने की। बाबा की अंदर का प्यार और बाहर का प्यार बहुत भारी उसी ने कहा। हाँ वो तो है ही। तो बाबा वो अंदर का प्यार किसको मिलता है उसका अभी तक क्लियर नहीं। अंदर का प्यार उनको मिलता है जो अंदर बाहर एक होते हैं। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं उनको कैसे अंदर का प्यार मिल जाएगा? बाबा इससे भी बात की मतलब ऐसी कोई बात नहीं है क्या? इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी पोस्ट छोड़े हैं उनमें से 108 की लिस्ट में कोई आएगा ही नहीं। तो फिर ऐसा इल्जाम क्यों लगाते हो? 63 जन्म भगवान के ऊपर इल्जाम लगाते लगाते नहीं थके? अभी भी इल्जाम लगाते रहे? इल्जाम वाली बात नहीं है। और क्या है? ये डिस्कशन की क्लास है, इसमें बाप और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, वो इल्जाम वाली बात कहाँ से आ रही? इल्जाम तो है ही कि भगवान जो है वो भाइयों के साथ पार्शलिटी करता है। अरे भाइयों ने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया है जो उनको भाइयों का चोला मिला है, दुर्योधन दुशासन का चोला मिला है। और ऐसी तो कोई बात नहीं है कि भाई लोग 108 की लिस्ट में नहीं आ सकते या 8 की लिस्ट में नहीं आ सकते। आ सकते हैं या नहीं आ सकते? आ सकते हैं। आत्मिक स्थिति की बात है। लकब लगा हुआ है तो कैसे? क्या लकब लगा हुआ? लकब लगा हुआ है तो अंत तक दुर्योधन दुशासन ही बने रहेंगे, नई दुनिया आ जाएगी नहीं आई? चोला उतार दो, लगाव लग गया है क्या? है? आप बदलो ना, कौन कौन मना करता है? कोई कोर्स लेकर के अगर नियमों का पालन कर नहीं सकता है तो हर रोज क्लास सुन सकता है क्या? हाँ सुन सकता है। हाँ सुनो, सुन तो जाएगा कहाँ इस दुनिया में? कोई दूसरी हट्टी है क्या? सुधरने की कोई दूसरी हट्टी है? जब दूसरी हट्टी नहीं है तो मना कैसे कर सकते हैं? तुम बताओ। जितनी सेवा करेंगे उतना ऊंच पद पा सकते हैं, लेकिन बांधेली माताएं तो पति के स्थूल शरीर के बंधन में होती हैं, तो फ्री रहने वालों जैसी सेवा तो नहीं कर सकती हैं, वो और ज्यादा सेवा कर सकती हैं। क्यों? बांधेली माताओं को, बांधेली माताओं के मन को कोई नहीं बांध सकता। बांधेली माताएं जितना याद करती हैं उतना और दूसरे कोई याद भी नहीं कर सकते। तो कौन से सब्जेक्ट में बांधेली माताएं तीखी जाती हैं? याद में तीखी जाती हैं। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास।
याद में फेल हो तीनों सब्जेक्टों में पास तो भी फेल। तो मनसा के द्वारा जितना बांधेली माताएं सेवा कर सकती है उतना दूसरे कोई सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई के हाथ पांव सारे बांध करके डाल दिए जाए कोई आसरा ना रह जाए उसको छुड़ाने का तो फिर किसको याद करता है? ऊपर वाले को याद करता है। तो ऊपर वाला उसको मदद करता है। एक भाई का प्रश्न है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं कहेंगे तो कृष्ण ने यशोदा माता को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड को दिखाया तो कैसे कहेंगे वो गीता का भगवान कृष्ण? अरे वो सब चरित्र कृष्ण के नहीं है, बुद्धि में ही नहीं बैठता। जब ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रहा है संगम की कृष्ण की बात है ही नहीं। ये तो सारी बात सारा चरित्र शिव बाबा का है। मुख खुलेगा तभी तो ज्ञान सुनाएगा, तो बिना मुख खुले ज्ञान सुना देगा? और ज्यादा ज्ञान सुनती कौन है? माताएं सुनती है कि पिताएं सुनते हैं? माताएं सबसे जास्ती ज्ञान सुनती है। कन्याएं और कुमार भी उतना ध्यान नहीं देते जितना माताएं सुनती है। तो मुख खोल करके ही ज्ञान सुनाया जाता है ना। तो साक्षात्कार भी किसको होगा? माताओं को ही होता। तो